काफ़ी जल्दी फिर से पोषण ट्रैकर ऐप का एक नया 15.2 अपडेट जो है वो सरकार के द्वारा जारी कर दिया जा चुका है। इस अपडेट में काफ़ी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अभी जो है चार प्रकार के आपको चेंजेस आपको पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट करने के बाद देखने को मिलेंगे। देखिए आपको मालूम है कि प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना और अपडेट का ऑप्शन आया रहेगा तो आप में भी यहाँ पर अपडेट दिखाएगा। अपडेट करने से पहले यहाँ पर देखिए व्हाट्स न्यू में इस बार सीधे सीधे चार चीज़ें बदली गई और चारों चीज़ें काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है। देखिए व्हाट्स न्यू में लिखा गया पहला में बेनिफिशियरी प्रोफाइल कार्ड इंट्रोड्यूस। अब जो है सीधे एक प्रोफाइल कार्ड आपको दिखाया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगे, बेनिफिशियरी का क्या क्या डिटेल और क्या क्या चीज़ें आपने भरी हैं। दूसरा जो यहाँ पर चीज़ें बदला गया उसका लिखा गया बहुत बड़ा बदलाव है कि डिलीवरी डेट फील्ड विल बिकम एक्टिव ओनली इफ प्रेगनेंसी मंथ मोर देन 6 मंथ। मतलब कि किसी भी प्रेगनेंट वूमेन जो आप में पहले से रजिस्टर्ड है उसको आप तभी प्रेगनेंसी डिलीवरी डेट भर सकते हैं जब वो 6 महीने से ज़्यादा उनका वो टाइम हो जाएगा। तीसरा जो बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऐप विल थ्रो एरर मैसेज इफ़ द डिवाइस डेट एंड टाइम इज टेम्पर्ड विथ। पहले क्या होता था कि कुछ लोग जो है पोषण ट्रैकर ऐप का डेट और टाइम बदल देते थे और उसके बाद होम बीट या फिर कुछ भी काम अपना कर लेते थे टाइम के अंदर, लेकिन अगर आप मोबाइल का टाइम और डेट बदलिएगा तो वहाँ पर लिखेगा कि आपने डेट और टाइम बदला हुआ नहीं होगा। चौथा जो बदलाव है जो नॉर्मल है हमेशा होता है माइनर बग फिक्स किया गया है। तो ये चारों बदलाव देखिए यहाँ पर 15.2 वर्जन है और 2 सितंबर 2022 आज ही शाम को जारी किया गया है। तो आपको मालूम है कि पोषण ट्रैकर के लिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर देना हो। चलिए यहाँ पर हम अपडेट पर आपके सामने क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ मिनट का वेट करते हैं। वेट करने के बाद जैसे ही ये ऐप हमारा अपडेट हो जाएगा उसके बाद ओपन करके सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है जो हर वीडियो में और हमेशा रहती है कि वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और ये अपडेट काफ़ी जरूरी है तो इस वीडियो को अपने ICDS के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी अपडेट करके सही तरीके से काम कर पाएं। हमारा अपडेट हो चुका है, अब यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो देखिए जैसे आपका ऐप पहले खुलता था वैसे ही खुलेगा, वैसे ही इंटरफेस आपको जो है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इंटरफेस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप पहले से लॉगिन होंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर लॉगिन शो करेगा। तो अब देखिए जो चार बदलाव किए गए, सबसे पहले बारे में आपको बता दूं कि हर एक लाभार्थी का जो है अब प्रोफाइल कार्ड आपको शो करेगा। जैसे किसी भी लाभार्थी का हम दिखा देते हैं, बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन को खोलते हैं, उसके बाद देखिए कुछ सेकंड का वेट करते हैं, यहाँ पर 0 लिख रहा है, ऑटोमेटिक सारे लाभार्थी आ जाएंगे। देखिए 0 देख करके आपको परेशान नहीं होना, देखिए सारे लाभार्थी यहाँ पर आ गए। तो मान लीजिए किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी का हम यहाँ पर खोलते हैं और खोलने के बाद जैसे कि मान लीजिए कि इसी बच्ची का हम पूरा डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको लास्ट अपडेट आपने कब किया हुआ है और यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो वेरीफाई करने का ऐसे ऑप्शन आ रहा है। आधार नंबर वेरीफाई है तो ग्रीन करके ऊपर ही लिख देगा और यहाँ पर देखिए बच्ची का नाम, एज और जेंडर मेल या फीमेल है और साथ में नीचे जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सारी चीज़ें अब एक कार्ड के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि उसका जो भी GMD है कब हुआ, कैसे हुआ और कब कब अपडेट हुआ था। यानी कि जैसे कि आपका एक आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड, राशन कार्ड होता है, उसमें आपकी सारी डिटेल होती है, वैसे ही बेनिफिशियरी कार्ड हर एक लाभार्थी का बना दिया गया। अब आते हैं दूसरे अपडेट की ओर। तो दूसरे अपडेट में आपको मालूम है कि यहाँ पर गर्भवती वाले ऑप्शन में एक नया अपडेट आया हुआ, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाइएगा कि जितने भी बेनिफिशरीज यहाँ पर होंगे गर्भवती धात्री, तो इनका जो भी मंथ यहाँ पर है प्रेगनेंसी मंथ जो है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए किसी भी लाभार्थी का प्रेगनेंसी मंथ जो है 6 महीने से कम है, यानी कि टाइम के हिसाब से अभी 6 महीने से ही कम पूरा हुआ है, तो उसको आपको वहाँ पर डिलीवरी डेट डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। डिलीवरी डेट तभी डाल सकते हैं जब 6 महीने ज़्यादा का वो हो सकती है, यानी बच्चे के जन्म के अगर टाइमिंग मालूम चलता है तो आप डाल सकते हैं। तो दूसरा बदलाव आपको ये देखने को मिल रहा है। तीसरे चीज़ में चेंजेस है अपडेट करने के बाद आपको देखने को मिलेगा डेट और टाइम के संबंध में। जैसे कि आपको मालूम है कि आज 2 सितंबर है और अगर आप मोबाइल में जा करके सेटिंग में जा करके अपने मोबाइल में डेट चेंज करके पोषण ट्रैकर ऐप में पीछे का अटेंडेंस बनाएंगी या फिर पीछे का कोई भी काम करेंगी तो नहीं होगा। एज ए प्रूफ मैं आपको अपने मोबाइल का डेट चेंज करके पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी मैं आपको अपने खुद के मोबाइल में यहाँ पर सेटिंग में जा करके डेट चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले आप लोग क्या करते होंगे कि अपने मोबाइल का जो डेट है वो बदल लेते होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 2 दिन पहले का होम विजिट या फिर आपका खुद का अटेंडेंस छूट गया, तो आप अपने मोबाइल का जो ऑटोमेटिक डेट और टाइम उसको ऑफ करके, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 1 दिन पहले का यानी कल का 1 सितंबर का अटेंडेंस या फिर आंगनबाड़ी केंद्र आपने बंद दिखाया था और होम विजिट भी नहीं हुआ था, तो आप 1 सितंबर कर देते थे, यानी डेट
बदलने के बाद जब आप पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करती थी ऐसे करके, तो पोषण ट्रैकर ऐप आसानी से काम कर जाता था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर तुरंत ही आपके मोबाइल पर जो है एक ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लिखा रहेगा सेट डेट एंड टाइम, योर सिस्टम क्लॉक इज इनकरेक्ट, आपका मोबाइल का जो सिस्टम का क्लॉक है वो इनकरेक्ट है, प्लीज सेट योर क्लॉक टू द करेंट डेट एंड टाइम। अब यहाँ पर आप ओके करेंगे तो आप मेन स्क्रीन पर आ जाइएगा। कहने का मतलब है जिस डेट में पोषण ट्रैकर ऐप है उसी डेट में आपको काम करना होगा, डेट चेंज करके अब कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बदलाव थे। और चौथा जो बदलाव है वो बग फिक्सेस के संबंध में है। बग फिक्सेस में नॉर्मल चीज़ें जो हमेशा अच्छे तरीके से काम करती वो ऑप्शन अब अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये चार चीज़ें थी, चारों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्रोफाइल कार्ड और डिलीवरी वाला, और ये डेट चेंज करके आप काम नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।